नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। पूरे परिचय के साथ बोलिएगा, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रोग्राम है, ये एक संस्था है, ये बहुत बड़े शायर के नाम से, साकिब नकवी के नाम से, जिनका बहुत से शेर मशहूर है। एक शेर जिसे जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते हैं। या उनका दूसरा शेर है कि मुठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफ, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने। ये 77 में हमने पहला प्रोग्राम इसका किया था और राम प्रकाश गुप्ता जी ने उसका इफ्तिताह किया था, खादिम उहद्दीन साहब ने उसकी सदारत फरमाई थी। तब से ही चल रहा है। अब हमने क्योंकि इसको इसका दूसरा रंग दिया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो साकिब एजुकेशन सोसाइटी इसको बना दिया 90 में, इस अदारे की बुनियाद डाली। इसमें हर साल हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों की शाम किसी के नाम समर्पित कर देते हैं। जैसे पिछले साल हमने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समर्पित किया, इससे पहले दीनदयाल के नाम समर्पित किया, इससे पहले हमने महात्मा गांधी के नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम, मतलब वगैरह वगैरह, हर शाम को हम किसी के नाम समर्पित कर देते हैं। इस साल तो कितने वर्ष से करते चले आ रहे हैं? ये 28 साल हो, 28वीं शाम मनाई जा रही है। अच्छा अच्छा जी। 90 में हमने इसकी बुनियाद डाली, तब से प्रोग्राम चल रहा है। हर साल हम बच्चों की शाम को किसी के नाम मंसूब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे एक उसके एक दूसरा रंग हो जाता है। क्योंकि शायर के नाम से संस्था है, तो इसलिए कैफी आदमी साहब का, क्योंकि 7 साल तकरीबात मनाई जा रही है, जन्म शताब्दी समारोह हो चुका है, पूरे 100 साल उनके पूर्व हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया। और इसमें कैफी आदमी सम्मान से कई लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें तारिक कमर साहब हैं, डॉक्टर लोचन जी हैं। तो हर साल से कुछ ज़्यादा आज अगली बार भीड़ नहीं लग रही थी? भीड़ आपकी कम थी। कम थी, भीड़ कम थी। ये रोड जो है पूरा जाम रहता था, आपकी कुछ भीड़ कम थी। और हमने खास तौर से मना किया कि भाई देखिए, जितना हम बच सकते हैं या कर सकते हैं, अभी प्रशासन ने अगर हमारे साथ थोड़ा सहयोग किया है तो हमें भी उसके साथ करना है, कोई ऐसी घटना ना घटे। तो हमने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ रिक्वेस्ट की, जो तीन पेरेंट आए थे उनको भी वापस करके एक ही पेरेंट को इजाज़त दी। तो ये भीड़ हमारी समझ लिए आधी थी। अच्छा हाँ, बच्चे भी कम थे। जी 50%, ये बच्चे भी कम थे और पेरेंट भी हमारे कम थे। ठीक है, तो बहरहाल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ कैफी आदमी साहब का, क्योंकि जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। शबाना आदमी साहब से मेरा पहले कांटेक्ट था, लेकिन उनकी जो चोट लग गई थी उसमें इस समय उनके डॉक्टर थोड़ा मना किया है, हो सकता था वो भी आती तो वो उसकी फिर दूसरी, लेकिन इस समय अगर वो आती तो शायद प्रशासन इजाज़त ना देता कि प्रोग्राम के लिए, तो जो कुछ होता वो अच्छा ही होता। पूरे परिचय के साथ बोलिएगा, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? जो बच्चों का प्रोग्राम आपने करवाया है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये प्रोग्राम साल में एक बार होता है, एनुअल फंक्शन होता है। इसमें बच्चों की जो तमाम तर एजुकेशन और उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जितनी भी उनकी सलाहियत है, उन सबको सामने लाना होता है। देखिए, ये एक तरह से एक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है, एक स्कूल का, एक इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम होता है कि साल भर के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करें कि उसने क्या किया। तो इसमें उन बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, उनके जो घर के माँ बाप के जो रिश्ते हैं, टीचर के रिश्ते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, क्योंकि हर चीज़ हम बच्चे को ऊपर से नहीं डालते उसके अंदर, बल्कि बच्चा अपने साथ कुछ कुदरती कुछ सलाहियतें लेकर आता है और टीचर का काम होता है उसे तलाश करना और उसे बाहर निकालना। मिसाल के तौर पर कुछ लोग अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कुछ लोग अच्छे वोकलिस्ट होते हैं, आवाज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ लोग अच्छे डांसर होते हैं, तो ये उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं उसको निकालना और तलाश। ये कार्यक्रम कब से करते आ रही है मैडम? जी बेटा, ये कार्यक्रम आपका कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा तो बरसों से चल रहा है, लेकिन मैं इस इंस्टीट्यूशन से पहले आप लोगों की तरह से आती थी, लेकिन 3 साल से मैं इस इंस्टीट्यूशन की सरपरस्त हूँ, और सरपरस्त होने के नाते फिर मेरी पूरी तमाम तर जिम्मेदारी ये है कि मैं यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसके साथ जुड़कर उन लोगों के साथ मशवरा करूँ और उनसे भी मैं भी राह लूँ और वो मुझसे राह पकड़ें, क्योंकि मैं तमाम उम्र मैंने कम से कम 50 बरस तक एजुकेशन के फील्ड में काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टी है उसका फ़ायदा वो उठाएँ
और नए दौर में जिस तरह की तालीम हो रही है, जिस तरह की सलाहियतें और जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे मुझे भी जानकारी मिलती रहे ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और वो इस तरीके से बच्चों की भीड़ यहाँ पर लगी थी जी, जो भी भीड़ है, मुझको तो लग रहा है कि आपको कुछ कोरोना वायरस के चक्कर में जो कोरोना वायरस आदमी बता रहा है, जो बीमारी निकल रही है, मुझको तो लग रहा है कि इसमें आप लोग मतलब कुछ डर दहशत में नहीं है। मैंने जाहिर साहब से इस सिलसिले में बात की थी और ख्याल ये था कि प्रोग्राम जल्दी सिमट जाएगा, लेकिन ये इस वक्त हमें अच्छी बात है, हम लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में मैं सोचती हूँ कि दहशत ज़्यादा है, क्योंकि अब तालीम के साथ साथ जो सफाई और अवेयरनेस होती है, मसलन बच्चों का हाथ धोना खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से, या आम घरों में चलन हो रहा है, सफाई आम घरों में बहुत ज़्यादा रखी जाती है, खाने के बर्तन, पकाने के बर्तन, कपड़े रोज़ धुलते हैं, तो अगर आप में इतनी भी अवेयरनेस है सिर्फ सफाई की, तो सिर्फ उस सफाई से आप जानते हैं बीमारियों से लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी चूक है। सही बात। और अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, अभी शुक्र है कि हमारे शहर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं, लेकिन अब ये देखिए अवेयरनेस कि हमें इस वक्त मास्क नहीं मिल रहे हैं पूरे मार्केट में, तो 350-350 रुपये के मास्क हैं, वो भी मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारी अवेयरनेस है, अवेयरनेस के साथ हम ज़िंदगी को छोड़ के तो नहीं बैठ जाएंगे ना। नहीं बिल्कुल। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप भरपूर जिए और खुश होकर जिए और उससे लड़े और उससे लड़े।